वेलकम टू बॉलीवुड पाई एंड टुडे वी हैव विद अस शेरनी यानी कि पवित्रा पुनिया। स्वागत है आपका बॉलीवुड पाई में। थैंक यू सो मच। सो पवित्रा, फुल ऑन रॉकऑन हो रहे हो आप। आपके इंस्टा स्टोरीज इतनी अच्छी होती है, इतने सारे कमेंट्स आप पढ़ते हैं। क्या कुछ चल रहा है आपके लाइफ में? पहले सबसे मैं ये बताइए। लाइफ बहुत ही एडवेंचरस ही चल रही है अभी। लाइफ बहुत ही एडवेंचरस, आई सेड बिकॉज ऑफ दिस अगेन दिस लॉकडाउन। लाइफ इज वेरी वंडरफुल इंडीड। अब बिग बॉस से आने के बाद तो बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन बहुत अच्छा चल रहा है, प्यारा चल रहा है, बहुत ऊंचा उतार चढ़ाव से चल रहा है, खाते पीते हुए चल रहा है, बहुत मजे से चल रहा है। लेकिन क्योंकि आपकी तो उम्मीदें रही होंगी कि अच्छा चलो घर में से बाहर निकल गए तो आप तो मचाएंगे, कुछ ना कुछ नया करेंगे, लेकिन वापस से वही सिनेरियो, वापस अभी आप घर में बंद हो गए और 15 दिन के लिए। कैसी फीलिंग आ रही है आपको? फीलिंग मतलब एक तरीके से सेफ फीलिंग भी आती है, और एक तरीके से ऐसी फीलिंग आती है कि हम कहीं जंगल में क्यों नहीं फंस गए जाके। ऐसे घर में बैठने से तो अच्छा है। तो आप बड़ी अजीब सी मिक्स्ड इमोशंस है यार। मतलब देखो, जिस हिसाब से हमारी इंडस्ट्रीज गेटिंग पॉजिटिव इन लाइट ऑफ नंबर्स, तो बहुत डर लग रहा है कि हम बचे हुए अभी भी। और वैसे दूसरी तरीके से सोचो कि काम से सफर हो रहा है, तो बहुत अजीब फील हो रहा है। बिकॉज बिग बॉस से निकलने के बाद यू आर लाइक यू आर इन दैट लूप विद द प्रोजेक्ट्स, एंड देयर प्रोजेक्ट्स दैट आर इन पाइपलाइन एंड ऑन टेबल एंड यू नो वेटिंग टू गेट ऑन पेपर। तो वो सारी चीजें हो गई है अब। आई कैन फील द वाइब जर्नी देखी, बहुत ही अच्छी रही है, बहुत ही अलग रही है। और जैसा कि आप कहती भी है, शेरनी दहाड़ कर आई है। सो दहाड़ने के बाद कितने लाइफ में चेंजेस आए हैं, हम वो जानना चाहेंगे आपसे। बहुत लाइट फील हो रहा है। मतलब वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आप जो खुद हो ना, वो दिखाते हो लोगों को, दैट दिस इज मी। अब वो सही है कि गलत है वो अपने को नहीं पता है, मुझे सिर्फ मेरा पता है कि इट्स लाइक यू टेक आउट योर फीलिंग्स, व्हाट यू फील। एंड मैंने वो फीलिंग्स वहां पे बाहर निकाली और मुझे बहुत बहुत अच्छा महसूस होता था। मैं चाहे कुछ भी कर सकती हूँ वहां पे, मैं कभी किसी चीज को रिग्रेट नहीं करने बैठती थी उधर। एंड वही चीज अब घर के बाहर भी है कि वो इतना जो दहाड़ के आई और अब जो उस चीज का रिस्पॉन्स मुझे मिलता है, बहुत प्यारा मिलता है, बहुत अनोखा मिलता है। एंड एक्चुअली ऐसे फील होता है कि हाँ मैं दहाड़ के आई हूँ, एंड विच वॉज वेरी गुड, इट वॉज इन माई फेवर। तो जो भी चीज फेवरेबल होती है वो हमेशा बहुत प्यारी होती है। We तो love seeing you, आपके Insta stories and everything. We just love seeing you. So yes. So Pavitra, we would like to know from you, क्योंकि जैसे ही Big Boss के घर से बाहर आए हैं, आप राहुल का गाना आने वाला है, रुबीना और अभिनव का गाना है, पीपल आर एक्सपेक्टिंग पवित्रा और एजाज का म्यूजिक वीडियो कब आने वाला है? भैया सब्र का फल बहुत मीठा होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत मीठा होता है, यू नो। एंड वेरी गुड, लाइक आई एम वेरी हैप्पी। मैंने अब सॉन्ग्स अभी तक एक्चुअली किसी के देखे नहीं है, सिर्फ वो छोटी छोटी क्लिप्स अगर रील्स बनती है तो मैं देखती रहती हूँ। तो बहुत प्यारा लगा मुझे, जो रिव्यूज भी आते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं सबके लिए। राहुल इज ऑल्सो शूटिंग, अली का भी आया है, रुबीना का भी सॉन्ग्स आ गए हैं, सॉन्ग आ गया है, सॉन्ग्स आ गए इनफैक्ट। तो बहुत अच्छी फीलिंग होती है क्योंकि हम नोवन जो वैसे दूसरे को देख के जले या कुछ वैसा वाला फील करे कि अरे यार मेरा गाना क्यों नहीं आ रहा, बट ऑलवेज वन थिंग के फॉर द ऑडियंस स्पेशली वो वेटिंग, क्योंकि सबका आ गया है, सबको देख लिया है, सबको देख भी रहे हैं, बट सरप्राइजेस एंड सरप्राइजेस बहुत अच्छे होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं, एंड यू गाइज विल लव इट। Right. So, Pavitra, we would like to know from you, क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है एंड हमने देखा है कुछ वीडियोस और रील्स में भी जैस्मिन काफी मदद कर रही है अली की इफ्तारी बनाने में। So, your fans would like to know कि क्या आप भी एजाज की इसी तरह मदद करती है, और क्या अभी तक आपने, क्योंकि 3-4 रोजे हो गए, क्या आपने किसी को रखा या इधर प्लानिंग फ्यूचर? यार मैं ना बहुत डिवाइन वाला बच्चा हूँ, मैं थोड़ा सा ना वैसे वाला हूँ कि जब मेरा जैसा मूड करता है मैं वैसे रहती हूँ। मैं जैसे मेरी नवरात्रि भी चालू है, अगर मैं वैसे भी बात करूँ तो नवरात्रि भी चालू है, रमजान भी चालू है, दोनों चीजें साथ में चालू है, बट यू नो
एजाज का और मेरा थोड़ा सा सोचने का तरीका अलग है. जब तक हमारी हेल्थ ना अलाउ करे या कुछ और चीजें ना अलाउ करे तो हम लोग कभी उस चीज को आगे नहीं बढ़ाते कि यू नो एक चीज को जब शुरू करो तो उसको पूरा करना चाहिए, या बीच में उस चीज को शुरू करने के बाद ये नहीं फील होना चाहिए शिट क्यों रखा या ये क्यों किया. तो वी डोंट लाइक टू रिग्रेट थिंग्स इन आवर लाइफ बेसिकली. तो हमने कुछ नहीं रखा, ना मैंने नवरात्रि रख पाई, मैंने अपना एजाज रोजे रख पाए, लेकिन हाँ नमाज पढ़ते हैं अपनी, मैं भी पूजा पाठ करती रहती हूँ अपना. हेल्पिंग ईच अदर, यस, मैं एजाज को खाना खिलाने में बहुत हेल्प करती हूँ. एजाज इज अ फूडी, एजाज को खाना बहुत पसंद है, मैं कोई कसर नहीं छोड़ती हूँ उनके लिए. गलौटी कबाब बनाना, उनके लिए दही कबाब बनाना, उनके लिए छाछ बनाना, उनके लिए नई नई डिशेज बनाना, थाई क्यूजीन बनाना, कॉन्टिनेंटल बनाना. So I'm helping him out in a way which he loves to enjoy the most. That's it. मेरे लिए और इससे ज़्यादा खुशी की चीज़ और इससे ज़्यादा बड़ी हेल्प क्या हो सकती है उनके लिए करना. बिल्कुल बिल्कुल. And I'm pretty much sure कि वो बहुत पसंद भी कर रहे होंगे. अरे भैया कमेंट्स मिलते हैं ना मुझे लाइव चैट. तो he loves the food that I cook. So, Pavitra, हमने ऐसा देखा है कि घर में जिस तरह की आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग रही है, क्योंकि आप दोनों बहुत ही अलग सोच के रहे हैं बाहर आने के बाद. इनफैक्ट एजाज भी ये कह चुके हैं कि आप दोनों की डिफरेंसेस सोच में अलग अलग डिफरेंसेस सही है, लेकिन दिस इज व्हाट ही लव्स अबाउट योर बॉन्ड. सो मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि मैंने देखा है कि पवित्रा खुद यार डोमिनेट होती नहीं है, करती है. सो यू वुड लाइक टू नो ऑन दैट कि आप दोनों के रिलेशनशिप में डोमिनेटिंग कौन है. See, we both are on equal note on that way na. On that note, we both are equal क्योंकि हम लोग कैसे होता है एक relationship में, एक इंसान dominate करता है, एक इंसान very very submissive. हम लोग situation के according ऐसी चीजें करते हैं. You know ये चीजें I think एक relationship में dominancy होनी नहीं चाहिए. तो पवित्रा पुनिया dominate होती नहीं है, करती है. लागू होता है बाहर की दुनिया पे, ना कि अपने घर पे. क्योंकि और वो भी बाहर की दुनिया पे उन पे जो मेरे ऊपर हुकूमत जमाने की कोशिश करें. लेकिन जहां मोहब्बत की बात आती है, इमोशंस की बात आती है, तो अगर कोई इंसान आपको कुछ कहता है तो मैं उसको डोमिनेंसी ना लेके मैं उसको मोहब्बत में लेती हूँ कि मेरे भले के लिए शायद कुछ कहा जा रहा है, तो मैं उस चीज को मान जाती हूँ. एंड सेम वे फॉर हिम, कि मैं कभी भी कंट्रोलिंग ना होकर उनके ऊपर उनको करेक्ट करने की कोशिश करती हूँ. बिकॉज ही इज एल्डर देन मी, ही इज मैच्योर देन मी, ही इज मोर एक्सपीरियंस देन मी in everything, career, age, experiences, everything. तो मेरा मैं समझती हूँ कि मेरे लिए वो चीज करना भी ऐसे उनको कंट्रोल करना इज लाइक वन disrespect only which I don't want to do ever. तो बिग बॉस की बात अलग थी, आपकी बात अलग है. अब एक रियल लाइफ में वो एक रियल लाइफ थी कहीं ना कहीं, फिर भी जहाँ पे हम एक गेम खेल रहे थे, जहाँ पे हम इंडिविजुअली गए थे. लेकिन यहाँ बाहर आने के बाद चीजें थोड़ी सी अलग है. तो हम लोग एक दूसरे को करेक्ट करते हैं, लेकिन कभी भी डोमिनेट नहीं करते. बाकी तो मैं पूरी दुनिया को डोमिनेट करती हूँ, ऐसे कैसे. बिल्कुल. तो पवित्रा, आप फ्रैंकली स्पीकिंग, क्या आपने कभी आपको सोचा था कि बिग बॉस के घर में आपको इस तरह से प्यार हो जाएगा? और प्यार होगा तो मतलब आप इतने सीरियस रिलेशनशिप में आएंगे? नहीं सोचा मैं. आई थिंक मैं घर में घुसने से पहले ही इंटरव्यूज देके गई थी, बड़े बड़ी बातें बोल के गई थी. आई विल बी सिंगल, आई डोंट वांट एनीवन, आई डोंट वांट टू फॉल इन लव अगेन, आई एम आउट ऑफ दिस एंड दैट. बट डेस्टिनी had other plans for me and for us, I believe, that as soon as I saw Ejaz, it happened. It was just everything changed. And I was like, okay, Pavitra, you're screwed. You are going to be booked and booked. So, Pavitra, I'm pretty much glad and I'm very happy. In fact, आपके सारे fans बहुत ही खुश हैं आपके इस relation को लेकर, and they even want to know कि when are you guys gonna, you know, tie a knot, निकाह कब करें? This is not my question. This is from your fans. मैं समझ गई, ये आप लोगों का question हो ही नहीं सकता, आप लोग पूछो ये question. ले ये भी बात है. नहीं नहीं, बहुत प्यारा सवाल है और इस चीज का बहुत प्यारा सा जवाब ये है. जैसे कि एक ये रिलेशन भी, एक रिश्ता भी बहुत प्यारा सा बंधन होता है.
तो वो उसका प्यार से जवाब ये है कि देखिए जिस हिसाब से 2020 गया है, जिस हिसाब से 2021 जा रहा है, शुरुआत हो गई है, उस हिसाब से शादी ना सोच के और खर्च ना करके अगर कमाई पे और ज्यादा ध्यान दिया जाए और अपना बिग बॉस की इतनी मेहनत को यूटिलाइज किया जाए करियर वाइज तो ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि जब वो लोग मोहब्बत करते हैं तो वो उनको पता है कि वो लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, यू नो, एंड सडनली अभी एकदम पे आते ही शादी कर लेना सारी चीजें। पहले हम वो जो मेहनत करने के लिए हम अंदर गए थे, जो कमाने के लिए, जो अपने करियर की रॉकेट में जो फ्यूल डालने के लिए गए थे बिग बॉस नाम का, वो अब जब डल गया है तो उसको यूटिलाइज थोड़ा करें। आगे बच्चे वगैरह भी अगर करते हैं तो इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग दैट नाउअडेज द फीस इन द एजुकेशन इज टू एक्सपेंसिव, यू नो, एंड एवरीवन वांट्स टू अपने बच्चे को अच्छे से अच्छी तालीम दे, अच्छे से अच्छी परवरिश करें, अच्छे से अच्छी शिक्षा दें। तो हमारा भी वही है कि अगर कल को कुछ भी ऐसे प्लान होता है तो तब हो जब वी नो दैट आर पॉकेट इज हेल्दी, दैट इफ आई बी कंसीविंग ऑल्सो सो आई नो दैट वी कैन गिव अ वेरी वेरी ग्रेट लाइफ टू दैट किड, यू नो, एंड बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ पे, देखो जब होनी होगी हो जाएगी, लेकिन हमारा तो ये प्लान है। अगर डेस्टिनी में है कि अगले महीने होनी तो अगले महीने हो जाएगी, नहीं तो अगले साल हो जाएगी, नहीं तो दो साल बाद हो जाएगी, नेवर नो। He would be waiting for that. So, Pavitra, there's a lot of buzz regarding Khatron ke Khiladi. We would like to talk from you. About me? Yeah, you and I just participating in Khatron ke Khiladi. There's a lot of buzz. Who said that? They did not even call me. I said it's a buzz. Huh? If you get an opportunity, would you go? I would love to, but not now. अब नहीं जाऊंगी शायद मैं, because I did not even get the call. मैं बड़ी जिद्दी लड़की हूँ, मतलब मैं एक बहुत छोटा सा बच्चा हूँ कि पहले मुझे क्यों नहीं पूछा, ऐसे कैसे, मैंने क्या किया, तो अभी मेरा ऐसे हो गया, मैं नहीं जा रही अब। So, Pavitra, this is a very like different question, of course, क्योंकि जब मैंने आपका स्टार्टिंग पे देखा था बिग बॉस में जो एक इंट्रो वीडियो आता है, वहां पर आपने कहा था कि यू नो आपने अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट रखा, अपने फैमिली के अगेंस्ट रखा, यू हैव परस्यूड दिस करियर, सो शायद वो आपके हित में नहीं थे और समथिंग लाइक दैट, बट देन ये जो जर्नी रही है पवित्रा पुनिया की, पवित्रा पुनिया बनने तक, इसको अगर आप देखते हैं तो इज देयर एनीथिंग यू रिग्रेट इन योर लाइफ? नेवर, पवित्रा नेवर रिग्रेट्स एनीथिंग हर लाइफ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी मेरी जिंदगी में हुआ है मुझसे जबरदस्ती तो नहीं कराया गया, मैंने खुद ने किया, और अगर मैंने खुद ने ही कोई चीज की है तो कहीं तो सोच समझ के की होगी, और अगर सोच समझ के की है तो मैं कोई नहीं होती हूँ खुद को ये कहने के लिए कि मैंने एक मैं ही रिग्रेट करती हूँ। नो, पवित्रा पुनिया कभी खुद को भी डोमिनेट नहीं करती है, कभी नहीं। सिचुएशंस गलत होती हैं, हालात गलत होते हैं, लेकिन उन सिचुएशंस के कारण आप रिग्रेट नहीं कर सकते, यू नो, हम खुद कोई चीज नहीं करते। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब सुबह 9 बजे स्कूल की घंटी बजती है ना तो इरिटेशन होती है, लेकिन वही घंटी अगर 4 बजे बजती है ना तो बहुत खुशी मिलती है। तो सिचुएशंस चेंजेस अकॉर्डिंग टू योर मूड एंड योर थिंकिंग। तो रिग्रेट आप तब करते हो जब आपने रिग्रेट करने का सोच ही लिया, तो आप लाइफ में हर एक चीज को रिग्रेट करोगे। मैं कभी रिग्रेट नहीं करती, वाई टू रिग्रेट यार। एंड इतनी हसीन शुरुआत हुई थी कि इंडस्ट्री में पहला शो मिला ये स्प्लिट्स मिला, जिसमें मेरे खुद के नाम से मेरी शुरुआत हुई, नहीं तो लोगों के कैरेक्टर नेम से शुरुआत होती है उनकी। मुझे जाना ही लोगों ने पहली बार टेलीविजन स्क्रीन पे, दैट शी इज पवित्रा। एंड अब इतने साल बाद, ऑलमोस्ट 11-12 साल बाद वापस से मुझे कुछ मिला, 12 साल बाद 11 साल बाद बिग बॉस, जिसमें वापस से, क्योंकि बीच में उस जर्नी में मैं 2009 से लेके बीच में खो गई थी अपने कैरेक्टर नेम्स के साथ, लोग भूल गए थे कि मेरा असली नाम क्या है, सिर्फ कैरेक्टर नेम्स याद रखते थे, इतने अच्छे रोल करती थी कि मैं बेंच मार्क, या थैंक्स थैंक्स फॉर माय हार्ड वर्क दैट आई हैव डन। तो देन अब बिग बॉस का टाइम ऐसा आया कि मुझे वापस से पवित्रा पुनिया मिली है जो खो गई है, मुझे खुद को, यू नो, लोगों को वापस से पता चला दैट आई एम पवित्रा पुनिया, और खुद के नाम से जाने जाना एक बहुत बड़ी बात होती है, और मैं यही मानती हूँ राधे देन एक कैरेक्टर नेम आपको अगर मिले तो, मेरा नाम मुझे मिला है भैया, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ बिग बॉस वालों, बिग बॉस के लिए, मैं फैंस के लिए कि उन्होंने इतना सपोर्ट किया विदाउट एनी पेड पीआर, दो आई वाज वेरी ऑर्गेनिक, सो आई एम वेरी हैप्पी।